हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जनरल स्टडीज ग्रुप में। दोस्तों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाई है और आपका एग्जाम आ गया है, तो आप तुक्का मार के कैसे 90% मार्क्स ला सकते हैं, ये आपको हम डिटेल के साथ और ट्रिक के साथ बताएंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के कर रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप ही के लिए दोस्तों, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट जॉब से सिलेबस ही डाला जाता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब से जो भी आपको पूछा जाता है उसका प्रैक्टिस सेट डाला जाता है, जैसे बिहार DLED, बिहार ITI, SSC, रेलवे, इस टाइप के वीडियो डाले जाते हैं। इसलिए इस चैनल पर आइए, हमारे प्ले लिस्ट को देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए। चलिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू दोस्तों, वीडियो अगर आपको जानना है अच्छे से तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्यों लास्ट में हम पूरा अच्छे से तरह से बताएंगे जो मेन पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आता है दोस्तों कि अगर आपको अच्छे से एग्जाम की तैयारी नहीं की है तो क्या करें। तो सबसे पहले जितना आप पढ़ें वो उतना ही ध्यान रखिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपको टीचर पढ़ाएं उतना ही ध्यान में रखिए, उसको रिविज़न कीजिए, उसका ज़्यादा नहीं किए। जितना आपको टीचर पढ़ाएं उसका सिर्फ एक दिन, जैसे आपको एक कल एग्जाम है आज, उसका क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए, मेन मेन पॉइंट जो है उसका नोट्स बना के उसको लिख लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद सुबह उठ के आप 4-5 बजे जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन सुबह उठ के उसका आपको रिवीजन कर लीजिए। जितना फॉर्मूला है, जो करंट अफेयर, उसका सुबह में रिवीजन कर लीजिए 5। उसके बाद आपको जिस एग्जाम तक आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या कीजिए कि अब बिना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप सिर्फ रिलैक्स होकर सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाइए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों, अगर आप इतिहास, ज्योग्राफी और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें हमको क्या क्या याद रखने का जरूरत है, उसमें आप लोग इस भी ज़्यादातर याद रखने का जरूरत है दोस्तों। मान लीजिए एक इस भी हमको नियर बाय देता है, जैसे 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 12 अगस्त 1947, इस टाइप के 1857 इस टाइप के इस भी हमको दिए रहते हैं एग्जाम में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुबह में जैसे रिविजन हम लोग करके जाएंगे ना, तो उसको क्या करिए, याद कर लीजिए, ये प्ले अच्छा होगा दोस्तों। आप लोग इतिहास भूगोल के क्वेश्चन को आप ट्रिक्स याद करना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में उसमें वीडियो डाला गया है, आप एक बार जाके देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों का भी शेयर कीजिए कि भाई इस चैनल पर अच्छा वीडियो बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, उसके बाद दोस्तों अगर आप मैथ का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो मैथ के क्वेश्चन में अक्सर देखा जाता है, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है मीटर में पूछ रहा है, तो आप एक ऑप्शन में देख लीजिए तो आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया रहेगा, या 3 सेंटीमीटर में दिया रहेगा, 1 मीटर में दिया रहेगा। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया है मीटर में, तो आप मीटर में टिक कर दीजिए। आज कितना आसान हो गया दोस्तों, 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको देखिए एग्जाम में ऐसा भी दिया रहेगा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आप 2 ऑप्शन तो ईजिली छाँट दीजिएगा दोस्तों, और सिर्फ 2 ऑप्शन में नियर बाय आपका कैलकुलेशन आ रहा है तो 1st ऑप्शन मार के आप निकल जाइए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि जैसे आपके एग्जाम में ये ऑप्शन 4 ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो दोस्तों, ये हर आपके एग्जाम में आपके काम आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। जैसे इसको मैंने भी यूज किया हुआ दोस्तों, ये 90% वर्क करता है। इसमें ये आप लोग इंग्लिश का एग्जाम देने जाते हैं, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसमें लास्ट में D ऑप्शन देखते हैं ऑल ऑफ दिस, ये 90% अगर इसमें आप टिक लगाते हैं तो ये सही होता है, ये हमने करके देखा है दोस्तों। उसके बाद देखिए उसके हिंदी वाले क्वेश्चन में क्या ऑप्शन रहता है, ऑप्शन D नंबर में उपयुक्त सभी, इसमें क्या होता है उसमें ये क्वेश्चन अक्सर सही हो जाते हैं 90%। नहीं तो अगर आपको वो क्वेश्चन याद है, जैसे वो प्रयुक्त में 4 ऑप्शन जो दिया गया है, अगर वो ऑप्शन आपको याद नहीं है, ऊपर का दोनों तो ऑप्शन सही हो रहा है, पहला ऑप्शन सही रहा तो आप उसको मार दीजिए, अगर नहीं याद है तो D नंबर ऑप्शन मारिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं, क्या रहती है कि ऑप्शन एक टाइप का होता है दोस्तों, जैसे उपयुक्त A ऑप्शन दिया गया, A नंबर में कुछ और दिया गया, फिर B नंबर में कुछ और दिया, C नंबर दिया है, C नंबर में ये दिया रहता है कि A और B दोनों सही है। इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर ये भी सही होता है, क्योंकि देखा गया दोनों ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों, अगर स्टूडेंट को दोनों पता है तभी लोग तीसरा स्टूडेंट मारता है, ये टीचर चेक करने के लिए दिया जाता है कि उसको स्टूडेंट को ये पता है या नहीं पता है। अगर आप लोग को ये अक्सर ये देखा जाता है, इसलिए आप लोग C नंबर ऑप्शन मार दीजिए, A B दोनों सही है, तो अक्सर 90% चांस होता है सही होता है, ये अपने मैंने एक्सपीरियंस करके देखा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, इस टाइप का ये वीडियो आपको ये ट्रिक अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर आइए दोस्तों, उसमें अच्छे से ट्रिक बताया गया दोस्तों, उसमें आप ये ट्रिक का कमाल करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर जो पढ़ाया जाता है एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है दोस्तों, अच्छे अच्छे टॉपिक भी पढ़ाए जाते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।